मौका मिलेगा तो करेंगे और क्या? नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, मेरा मन का बात है। काम ले चुके थे पहले, ठीक है, वो तीन बार आए, तीनों बार मैं काम ले चुके थे पहले इससे। और आप लोग इस चीज को नेगेटिविटी या फिर विवादों में विभक्त मत, ये सब बारे में नहीं पूछे। ऐसा क्यों मुस्कान जी, आप यादव के साथ आपका जोड़ी कहीं ना कहीं पूरे धमाल मचा देता है, ब्रेकअप हो गया है मुस्कान जी के भी। अच्छा किसी, नमस्कार प्रणाम, अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री के कई सारा सुपर डुपर हिट गाने देने वाली मुस्कान केडी जी हमारे साथ है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपको मुस्कान जी। सबको नमस्ते, इस चैनल के माध्यम जितने दर्शक देख रहे हैं सबको परिचय के प्रणाम। कैसी है मुस्कान जी? मैं सही हूँ। अच्छा आज दुर्गा पूजा है और आप दुर्गा पूजा में काफ़ी ज़्यादा आपका सॉन्ग आया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड भी कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आप सब इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा दुर्गा पूजा को लेकर दर्शकों क्या? अच्छा मुस्कान जी से एक सवाल रहेगी कि छठ पूजा की शुभकामना तो क्या मतलब किन किन के साथ सॉन्ग आने वाला है? नहीं पता है, सबके साथ आ ही जाएगा। अच्छा वैसे बैक टू बैक दुर्गा पूजा पे कितना सॉन्ग अभी आपका आ चुका है? नहीं है पता मेरे को, क्योंकि मैं इस बार कम ही दुर्गा पूजा का सॉन्ग, क्योंकि मेरे को तो लगा ही नहीं कि दुर्गा पूजा का उतना सॉन्ग हो रहा है जितना मैं पहले करती थी, क्योंकि अभी जितना मैं लोकगीत करती हूँ उतना दुर्गा पूजा का गाना नहीं की कर पाई उतना। अच्छा आशीष यादव जी के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट सॉन्ग आता था, तो दुर्गा पूजा के साथ उनके साथ अभी तक कोई सॉन्ग आया है कि नहीं दुर्गा पूजा का? ऐसा क्यों मुस्कान जी? हम काम ले चुके थे पहले, ठीक है, वो तीन बार आए, तीनों बार मैं काम ले चुके थे पहले इसलिए। अच्छा चलिए मुस्कान जी से मुद्दा का बात किया जाए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी और पावर स्टार पवन सिंह जी के बीच जो एक संघर्ष टू और हर हर गंगे मूवी आया, तो मुस्कान जी से क्या राय रहेगी, आप सबसे पहले कौन सा मूवी को देखिएगा, हर हर गंगे या फिर संघर्ष टू को? हमको ये सब बारे में नहीं पूछे, मैं हम फिल्म नहीं देखते। ऐसा क्यों मुस्कान जी, आप भोजपुरी मगही इंडस्ट्री से आके देखेंगे और क्या, मतलब फिर भी दोनों में से पहले कहीं ना कहीं आपका आपका मैटर हुआ, दोनों कर क्या, जो पहले आएगा वो देखेंगे। फिर भी तो देखिए आप कहीं ना कहीं लोग को फंसा रही है, कहीं ना कहीं लोग से छुपा रही है, मान लीजिए आपके पास। मेरे को भोजपुरी के बारे में उतना नहीं पता, ठीक है, पवन जी खेसारी जी इतना नहीं मेरे को पता, फिल्म में जब आएगा तो जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जो आएगा आगे मैं वो देखूंगी। अरे मैडम तो मतलब मान लीजिए कि जब आएगा मतलब कब, कोई ना तो पहले या हर हर गंगे या फिर संघर्ष तो कुछ ना कुछ पहले देखेगा ना, या फिर दोनों फोन में दोनों फिल्म चला के देखेंगे और तो कुछ किसी का स्टोरी समझ में नहीं आया आ जाएगा ना, क्योंकि हम सब स्टोरी करते रहते समझ में क्यों नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मुस्कान केटी जी विवादों, देखिए विवादों की सवाल नहीं थी बस आपसे, अभी एक आप सदस्य भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही की इसलिए आपसे पूछा गया था, लेकिन आप कहीं ना कहीं बच रही है विवादों से, तो ये कुछ विवादों की सवाल नहीं थी। और कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह जी भी संघर्ष टू को प्रमोशन किए, तो आपको कैसा लगा? अच्छा बात है, तो आप संघर्ष टू या फिर हर रंग में किसी को प्रमोशन करिए कि नहीं? मैं को नहीं पता, मौका मिलेगा तो करेंगे और क्या? नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, मेरा मन का बात है। अच्छा मुस्कान केडी जी भोजपुरी में किन किन के साथ दिखने वाली है? अब जिनके साथ मौका मिला उनके साथ करूँगी। अच्छा आप फैन किसकी है? पावर स्टार पवन सिंह जी की फैन है मुस्कान केडी जी, और संकोच कर रही थी कि मूवी किसका देखूंगी, तो इसके मतलब है कि मुस्कान केडी से यही सवाल है कि सबसे पहले मुस्कान केडी जी इनके तरफ से कि हर हर गंगे देखेंगी। जरूरी है कि पवन जी मेरा फेवरेट है तो उन्हीं का देखूंगी। अब जो फेवरेट उन्हीं का देखिए, मैं किसी को भी बुरा लगे उसके लिए सॉरी, मैं फिल्म उलिम नहीं देखती क्योंकि अपना काम से फुर्सत नहीं मिलता। अरे वाह, कहीं ना कहीं आप बात को टाल दिए। हाँ मैं काम फिल्म उलिम नहीं देखते, मतलब पावर स्टार पवन सिंह जी की फैन है लेकिन उनकी मूवी नहीं देखती है। नहीं देखते, टाइम नहीं। टेलर देखिए कि नहीं अभी तक? नहीं मैं ये सब में नहीं आती। अच्छा मतलब कहीं नहीं, आप काम पे फोकस कर रही है और मूवी नहीं देखती है, तो मगही में अगर कोई मूवी बनती है तो उसमें उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बात है, बने नाम कमाए सब और क्या। अच्छा उसमें जो आपको फिर एक्टिवेट किया जाएगा तो आप तो बोलिए मूवी हम नहीं देखते, तो उसमें आप एक्टिवेट होंगी या नहीं? हाँ क्यों नहीं होंगे, काम काम होता है जैसे भी काम। फिर मगही का मूवी आपको देखने का मौका मिले तो वो देखती है कि नहीं? मौका मिलेगा तो जरूर घूमागी, क्या सब देखते हैं, मेरा तो फेवरेट है साउथ, मैं वो देखती हूँ, भोजपुरी भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है, पवन जी का खेसारी जी का कल्लू जी का सबका मैं देखती हूँ पर उतना नहीं। लेकिन अभी जो आपसे पूछा गया था संघर्ष टू और हर हर गंगे को लेके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं और पावर स्टार पवन सिंह जी उस मूवी को प्रमोशन की है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इससे कतरा रही है प्रमोशन करने से?
मैं फिल्म उलिम नहीं देखते तो मैं बताया वो तो हमको पता है बोल ऐसा तो नहीं है सबका लाइफ पर्सनली तो कुछ ना कुछ तो लोग देखते ही होंगे लेकिन आप कहीं आपको क्या लगता है आप काना कार चाहते हैं मतलब आप एक बोलिए कि पवन जी का देखना है ना तो ये बोले कि खेसारी जी का देखना हम दोनों का देखेंगे और कुछ ये अब हम नहीं बोल रहे देखिए हम कहीं ना कहीं आपसे विवाद नहीं करवा रहे बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप दोनों में से सबसे पहले कौन सा मूवी देखेंगे जो आ जाए वो देख लेंगे मतलब कहीं ना कहीं मुस्कान जी हर हर गंगे ही देखेंगी मुझे लग गया क्योंकि पावर स्टार कौन से इनको ज्यादा पता रहता है और आप लोग इस चीज को नेगेटिविटी या फिर विवादों में विभक्त मत कीजिएगा और मुस्कान जी की तरफ से क्या राइड है मीडिया वाला गुमराह कर रहा है यही हर हर गंगे और जो हम बोले हैं कि आप कहीं ना कहीं पता भी नहीं है कि कौन सा फिल्म रिलीज होने वाला है मतलब मुस्कान जी कहीं ना कहीं कतरा ही रही है तो मुस्कान जी से और मैं का और कुछ पूछिए मैं कुछ के बारे में नहीं पता अच्छा छठ पूजा में किस किस के साथ सॉन्ग आने वाला है ये थोड़ा सा अभी कुछ इन्फॉर्मेशन सबके साथ आने वाला मैं सबके साथ आशीष यादव जी के साथ सॉन्ग आने वाला हां फ्री रहूंगी तो क्यों नहीं करूंगी और फ्री नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएगा दर्शकों लेकिन आशीष यादव के साथ आपका जोड़ी कहीं ना कहीं पूरे धमाल मचा देता है ट्रेंड कर जाता है आप सबका प्यार आशीर्वाद है आपका और कुछ लोगों ने मतलब आपको आशीष यादव के शादी के बाद मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि मुस्कान जी को धोखा मिल गया ये सब कहां मतलब ब्रेकअप हो गया है आशीष यादव और मुस्कान जी के बीच अच्छा ये मतलब बताइए किसी का बॉयफ्रेंड रहेगा ओकर गर्लफ्रेंड ओकर शादी में रहेगी दिन रात ऐसा कोई बात नहीं हम दोनों एक दोस्त है हां दोस्त है लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको जरूरी है कि किसी के साथ काम करे का नहीं बॉयफ्रेंड ही हो लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपको उसमें सोचने वाला का क्या कर सकते हैं तो मतलब मुस्कान जी की तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं थी और लोगों की तरफ से अफवाह उड़ाया गया था हाँ। तो आशीष जी को आप क्या कहना चाहेंगे वो बहुत अच्छा इंसान है मेरे को वो बहुत मानते हैं बच्चे के टाइप को बहुत मानते हैं गलती करती हूँ तो मारते भी है मेरे को बहुत मानते हैं बहुत अच्छा इंसान है ऐसे ही प्यार से बनाए रखे अच्छा मुस्कान जी इंडस्ट्री में आई है तो आपको फैमिली वाले कब से सपोर्ट करने लगे या फिर शुरू से ही आपको सपोर्ट किया नहीं मेरे को शुरू से नहीं किया तो फिर कब से सपोर्ट किया 8-9 महीना के बाद सपोर्ट किया मेरे को घर से मेरे को मम्मी को निकाल दिया था मेरी मम्मी सपोर्ट में थी निकाल दिया था मेरे को और मम्मी को उसके बाद 8 महीना के बाद सब अपना अच्छा जब आप इंडस्ट्री में आई थी तब आपके घर वाले ने मतलब क्या बोले थे कि जाना या फिर वहाँ से हाँ तो इस लाइन में काम करना तो घर अब मत आओ नहीं करना चाहो तो हमको करना था तो निकल गए और जब आप सक्सेस हो गई तो उसके बाद आपको सपोर्ट करने लगे सपोर्ट करने लगा अच्छा गाँव वाले अगर आपका अभी वीडियो देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं वो अभी भी गलत बोलते हैं कि ये गलत काम है पर दुनिया का बात हम अच्छा मुस्कान जी कितना तक डिग्री प्राप्त की है क्या हमारे दर्शकों को जान सकती है अभी हम 10th का एग्जाम ही देंगे अभी उतना उम्र भी मेरा नहीं हुआ है अरे 10th का एग्जाम नहीं दिए मुस्कान जी और पूरे ब्लास्ट कर चुकी है पूरे ट्रेंड कर चुकी है मगही और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपसे आशा और निवेदन है कि जो भी अगर भोजपुरी के दर्शकों को देख रहे हैं तो इनको सपोर्ट कीजिए और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट क्या करना है इनका तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा है तो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि दर्शकों को आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए जिसके एक्ट्रेस मुस्कान केटी एक्ट्रेस मुस्कान केटी को आप लोग जाके फॉलो कीजिए और जाते जाते मुस्कान केटी जी क्या कहेंगी प्यार बनाए रहे मेरे पे और उनके चैनल पे भी चलिए तो अभी हमारे साथ मुस्कान केटी जी जुड़ चुकी थी आप लोग को वीडियो कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर करके बताइएगा